महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। देखिए हम बात करेंगे कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ कौन सी माला है जिससे जप करना चाहिए। मैं अनेकों बार आपको कई सारी चर्चाओं के माध्यम से बीच बीच में अपडेट्स देता रहता हूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये भी जानकारी दी कि कौन कौन से मंत्र में हम किस किस माला का प्रयोग कर सकते हैं। उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, सविस्तार चाहे नवग्रहों की बात हो, अनेक देवताओं की बात है, मैंने सारे मंत्रों को आपके साथ में सारी मालाओं की भी चर्चा की। लेकिन आज हम स्पेशली महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कौन सी माला का प्रयोग करें उस पर चर्चा करें। देखिए महालक्ष्मी को परम पवित्र स्फटिक जो है उससे महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जप करना चाहिए सर्वश्रेष्ठ, या फिर शुद्ध चंदन की माला मिले, यानी कि जो मार्केट में आजकल बहुत तरह से उपलब्ध हो जाती है 100-200 रुपए में, उसको हम चंदन समझ लें, नहीं, शुद्ध चंदन की माला अगर आपको मिलती है आप उससे करें, और नहीं तो शुद्ध स्फटिक, बाहर का स्फटिक नहीं, जो भारतीय स्फटिक, शुद्ध जो स्फटिक है, ये देखिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये भारतीय शुद्ध स्फटिक है, बिल्कुल दूध की तरह है, हाथ में लेंगे तो काफी ठंडा है। तो इस स्फटिक से जो है महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए महालक्ष्मी का जप करना चाहिए।